का राजस्थान अभियान भी शुरू। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कया, बूथ विधानसभा और जिला स्तर तय ले जावेला आंदोलन। भाजपा री महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी करिया कार्यभार ग्रहण, कया संगठन ने मजबूत करनो है उनरी प्राथमिकता। जयपुर से वैष्णो देवी जायरिया तीर्थ यात्रियों री ट्रेन भी रवाना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। भाजपा प्रधानमंत्री हर नरेंद्र मोदी री अगली 28 जुलाई ने नागौर रा खरनाल में होवन वाली जनसभा री तैयारियां करी शुरू, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तैयारियां रो लियो जायजो। प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी, मौसम विभाग एक दर्जन सु बेसी जिला में बारिश रो जतायो अंदाजो, 18 जुलाई सु एक नवो सिस्टम सक्रिय होवन रा आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपको स्वागत है। खबरों रे साथ है मैं अर्चना मेहता और अब समाचार विगतवार। भारतीय जनता पार्टी रा पूरा प्रदेश में आंदोलन, नहीं सहेगा राजस्थान री शुरुआत भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में करी। वे कया के बूथ विधानसभा और जिला स्तर माथे जन आंदोलन शुरू हेलो। इमें कांग्रेस सरकार री जन विरोधी नीतियां रे खिलाफ जनता ने सावचेत करियो जावेलो। इस्यू पहली भाजपा रा कई आला नेता जयपुर रा बेलवा कन्ने राखी जनसभा ने संबोधित करया। सहेगा राजस्थान, इस फेलियर सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे संकल्प के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फेल कायदा उस प्रदेश के अंदर ये मुख्यमंत्री विधानों का अपमान करते हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मैं जब जयपुर में आया हूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी गणेश मंदिर हमारे गोविंद देव जी को नमस्कार करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। गलता माता जी मंदिर को भी मैं नमन करता हूं और इसके साथ साथ हमारे वीरों की भूमि, शौर्य की भूमि, तपस्वियों की भूमि, सामाजिक चेतना लाने वाली भूमि, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी वीर भूमि को भी मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान, इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे भी। इसका कारण है कि यह गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। यह सरकार लूट लेने वाली सरकार है, यह सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, यह सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है।
और ऐसी सरकार को बिल्कुल भी एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और आने वाले नवंबर में आप इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अभी अभी हमने एक फेल कार्ड का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। राजस्थान का 5 साल के अंदर रिकॉर्ड क्या है, कौन से आयाम, कौन से काम गहलोत सरकार ने किए हैं? उल्टे, गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे झुलाने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया है। किस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को, जो सरकार जिस वादों की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, वो हर मामले में आज फेल साबित हुई। और इसीलिए नहीं सहेगा राजस्थान एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों हो रही है। आज मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ये नहीं सहेगा राजस्थान आखिर क्यों, एक तरफ वो दिल्ली की सरकार है और उसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और जो 60 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 9 वर्ष में करके दिखाया है। भाजपा महिला मोर्चारी हाल बनी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी आज भाजपा प्रदेश कार्यालय माथे आपनो पदभार संभालियो। मोर्चा रा कार्यकर्ता उनरो स्वागत करियो। डॉक्टर भंडारी कया के उनरी पहली जिम्मेदारी संगठन ने मजबूत बनानो है। इनरे साथ ही संगठन रा कार्यकर्ता जनहित रा मुद्दा ने उठावेला। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई पदाधिकारी शामिल भिया। असम रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया रे आज उदयपुर पुग्या पछे परंपरागत तरीका सो उनरी अगवानी करी जी। पुलिस की टुकड़ी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दियो, साथ ही भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उनरो स्वागत करिया। जयपुर से वैष्णो देवी जा रही तीर्थ यात्रियों की ट्रेन ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखार रवाना करिया। इन मौके मुख्यमंत्री कया के भारत में साल भर धार्मिक तीर्थ यात्रा रा महत्व ने ध्यान में रखता राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिका ने तीर्थ यात्रा करावण रो बीड़ो उठायो है। वे कया के माता रा दर्शन करण ने जा रिया तीर्थ यात्रियां सारू चिकित्सा, खान पान और दूजी सुविधा रह साथ है सुरक्षा रा मोकला इंतजाम करी जिया है। और आप सभी को सुखद तीर्थ यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं कि आपकी यात्रा बहुत ही सफल रहे। आप मेरी ओर से भी माता के चरणों में शीश जरूर निभाए। पिछले महीने 14 जून को दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर से रामेश्वरम के लिए 1000 तीर्थ यात्रियों के अपने प्रस्ताव दिया था। उस मौके पे भी मैं स्वयं हाजिर हुआ था रेलवे स्टेशन पर, और मुझे लगा कि किस प्रकार के हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनको यात्रा में भेजना सरकार द्वारा, और जिस रूप में ये यात्रा का कार्यक्रम बन रहा है, ये मैं पिछली बार जो आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री था तब हमने शुरू किया था 2013 के अंदर, और मुझे याद है उस वक्त में एक ही साथ में करीब 40,000 से लोग ज्यादा लोगों ने यात्रा की थी एक साल के अंदर। इस सरकार बदल गई तो मुझे दुख होता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम था ये, उसके बावजूद भी पूरे 5 साल में लगभग 40-45,000 लोग जा पाए यात्रा के अंदर। और मुझे खुशी है कि अब जो यात्रा वापस में शुरू करी है उसमें जो उत्साह है इस यात्रियों में। जोधपुर में एक नाबालिग सु गैंगरेप रो मामलो सामे आयो है। पुलिस ई मामला में 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो है। पीड़िता रो प्राथमिक उपचार पछे काउंसलिंग करी जी और अब उनरो मेडिकल करवायो जावेलो। गिरफ्तार आरोपी बाड़मेर रा रहवासी है। डीसीपी पूर्व अमृता दुहन बताया कि मामला री जांच करी जा रही है।
अजमेर से अपने घर से भागकर रात को करीबन 10:30 बजे बस के माध्यम से जोधपुर पहुंचे। उसके पश्चात उन्होंने इधर एक कमरा लेने का प्रयास किया तो 12:30 बजे के लगभग ये कृष्णा गेस्ट हाउस है पावटा चौराहे के पास, वहां पर ये कमरा लेने पहुंचे। वहां पर फिर जो इनके पास आईडी नहीं थी और नाबालिग थे और साथ ही साथ बदतमीजी गेस्ट हाउस वाले ने लड़की के साथ करने की कोशिश की, जिसके चलते वो वहां से तुरंत बाहर निकल आए और पावटा चौराहे पर वो बैठ गए। वहां पर इनको 3 लड़कों ने संपर्क किया जो सारे नौजवान थे, 20-22 वर्ष की उम्र के थे, जिसकी वजह से अज्ञात जो आरोपी थे उनको हमने कुछ ही घंटों में दस्तयाब करके उनको गिरफ्तारी की भी प्रोसेस जारी है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो भागने की वजह से उनके पैर में चोट लग गई। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगली 28 जुलाई ने नागौर रा खरनाल में होवन वाली जनसभा री तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी काल खरनाल आर तैयारियां रो जय जोलियो। वे 8 पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारियां रे साथ चर्चा करी। इन मौके नागौर विधायक मोहन राम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर चौधरी, प्रदेश महामंत्री जगवीर छाबा, भाजपा नेता भागीरथ मेहरिया समेत कई लोग मौजूद रहा। उल्लेखयोग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछला 9 महीना में राजस्थान में 7 जनसभा कर चुका है। हरनाल के अंदर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त को जारी करेंगे। यहाँ से किसानों के खाते में जो पैसा हर 4 महीने के अंदर जाता है तो वह यहाँ से किस्त भी जारी करेंगे और फर्टिलाइजर को लेकर यहाँ पर मीटिंग रखी गई है, जिसमें यहाँ पर अभी हम स्थान देखने आए हैं और यहाँ के सभी लोगों में उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नागौर की धरती पर आ रहे हैं और निश्चित रूप से इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा और पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जोधपुर रा 2 दंड रा दौरा माथे है। मुख्य सचिव काल संभाग रा 4 जिला कलेक्टर और नोवा जिला फलौदी, बालोतरा और सांचौर रा विशेषाधिकारियां साथ है समीक्षा बैठक करी। बैठक में बजट घोषणावा ने लागू करण और न्यारी न्यारी योजनावा बाबत जानकारी ली गई। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा पुलिस लाइन में जोधपुर रेंज रा सगला पुलिस अफसर साथ बैठक में कानून व्यवस्था माथे चर्चा करी। प्रोग्राम है और महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उनका हमने जो है पूरा रिव्यू किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि संभाग ने बहुत अच्छे इसमें जो है रिजल्ट्स दिखाए हैं और बहुत जो थोड़े बहुत जो गैप्स थे उनको भी हमने जो है सभी कलेक्टर्स को और उनकी टीम को यही निर्देश दिए हैं कि छोटी से छोटी गैप्स को भी जो है वो जो है उसको देखें और कंप्लायंस करें, जिससे कि जो बजट घोषणाएं 23-24 की भी हैं उसमें जो काफी अच्छी प्रगति उसमें भी हमने जो है पूरे राज्य में देखने को मिली है, तो उसमें और इजाफा कैसे हो इस बारे में हमने जो है बहुत इलेबोरेट तरीके से चर्चा। विमेन एट्रोसिटी और जनरल जो सेक्सुअल क्राइम जो होता है उन सब में कमी आई है। एक जो SC ST एट्रोसिटी के केसेस है उनमें भी यहाँ कमी परिलक्षित हुई है, जो संतोष का विषय है, और अन्वेषण के टाइम में भी कमी आई है। इसके अलावा जो ये रेंज है वो बॉर्डर के लिए है, जाना जाता है कि हमारी लंबी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो बॉर्डर के भी इश्यूज डिस्कस हुए, कैसे वहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इंस्टॉल किया जाए। ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन और प्रभा खेतान फाउंडेशन कानेसू जयपुर में राजस्थानी भाषा ने बढ़ावा देवन रा उद्देश्य सू आखर कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में साहित्यकार कृष्ण कल्पित राजस्थानी भाषा साहित्य लेखन और इंद्री उपलब्धियां बाबत चर्चा करी। आज का जो आखर कार्यक्रम है वो रखा गया है कृष्ण कल्पित जी के लिए।
इस कार्यक्रम में उनके साथ एक संवाद भी है जिसमें उनके कृतित्व व्यक्तित्व पर चर्चा भी हो रही है और साथ में ही उनकी जो एक पुस्तक आई है राजस्थानी भाषा में उन्होंने पहली बार एक पुस्तक जो है वो निकाली है कविताओं की, तो उसका विमोचन भी है और ये बहुत ही एक सरस कार्यक्रम हुआ और इसमें सबने सुना कि किस तरह वो एक फतेहपुर शेखावाटी में पैदा हुए उसके बाद किस तरह से पेंटिंग से उनका जो इच्छा थी और जो उनकी काम करने का विल थी वो एक लेखक के तौर पर बनी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, काफ़ी सारे लोगों का हमको देखने को मिला क्योंकि हमेशा जितनी संख्या होती है उससे बढ़कर संख्या थी आज, तो इससे पता चलता है कि कितने पॉपुलर हैं वो लोग, उनको पसंद करते हैं उनके लेखन को भी। वो कार्यक्रम है जहाँ हमें उन लोगों से जोड़ता है, उन गाँव और ग्रामीणों से जोड़ता है जहाँ की भाषा, जहाँ का परिवेश, हम यहाँ शहर में आने के बाद में कहीं छूट सा जाए। तो इस कार्यक्रम में जब भी ये कार्यक्रम होता है तो मन करता है कि कब है कब है, और इसमें आने का बहुत अद्भुत मन करता है। तो आखिर कल्पित का यह कार्यक्रम अद्भुत अपने आप में ही बहुत विचित्र हो जाता है। चित्तौड़गढ़ में गंगरार राम मेवाड़ विश्वविद्यालय में आज प्रभात जोशी स्मृति प्रभास प्रसंग कार्यक्रम रखी जियो। कार्यक्रम रा मुख्य वक्ता केरल रा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कया के मारी नुवी पीढ़ी ने इतिहास सो रूबरू करावन सारू सांस्कृत विकृतियां ने दूर करर युवा पीढ़ी ने प्रेरित करण री जरूरी है। कार्यक्रम में राज्यपाल आधुनिक तकनीकी प्रदर्शनियां रे साथ ही चित्रकला विज्ञान रा बनाई जिया मॉडल रा अवलोकन करर विद्यार्थियों रो उत्साह बढ़ायो। मैं ये मानता हूँ कि मानव और जानवर में जो फर्क है वो इतिहास के बोध का है। अपने इतिहास को हम जो हमारा जो भी सांस्कृतिक प्रगति होती है हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ हमारे पुरखों ने हैंडओवर किया है हमें, बस जहाँ उन्होंने ख़त्म किया। तो अपनी पुरानी चीज़ों को सुरक्षित करने का प्रयास करने का मतलब है कि हम ऐसा स्रोत बना रहे हैं जिससे हमारी आने वाली नस्लें प्रेरणा ले सकें। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में हैं जिन्होंने ये शानदार काम किया है मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनकी सराहना। सिरोही जिला रा आबू रोड माथे ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में काल तंबाकू मुक्त यूथ अभियान री 60 दण री कार्य योजना रे तहत प्रशिक्षण शिविर लगायो गयो। इमा राज्य स्तर रा विश्वविद्यालय ने तंबाकू मुक्त बनावन रा उद्देश्य सु प्रदेश रा सगला जिला सु 4 रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण वास्ते शामिल हुआ। शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए स्कूल शिक्षा विभाग रा शासन सचिव नवीन जैन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉ. जितेंद्र सोनी शिक्षका ने संबोधित करया। देखिए राजस्थान सरकार का जो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन है, जो यूथ है वो टोबैको से कैसे दूर रहे उसी दिशा में एक मुहिम है और मेडिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसमें काम कर रहा था। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इसमें अच्छी जन जागरूकता आएगी और विस्तार से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसी सिलसिले को लेके आज एजुकेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट और ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से पूरे राजस्थान का जो सभी जिलों से प्रत्येक जिले से 4-4 लोग KRP की रिसोर्स पर्सन के नाम से बुलाए गए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले से कार्यरत हैं। वापस ये प्रत्येक जिले से जो 4 KRP आए हैं ये अपने अपने जिलों में जाके और इस टोबैको फ्री यूथ कैंपेन है इसकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जितने भी राजकीय और निजी विद्यालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको टोबैको फ्री करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है और ये पूरा कैंपेन जो वैसे 60 डेज का है चल तो रहा है कई सालों से विद्यालयों में, लेकिन इसको एक मुहिम की तरह से लिया है और इसमें हम लोगों को स्कूली बच्चों के बीच में जाके डोर टू डोर उन बच्चों के बीच में जाके और उन बच्चों को तैयार करके इस कैंपेन को सक्सेस बनाना है। उसके लिए स्कूल में टोबैको मुक्त विद्यालय इस तरह के एक बैनर बनवा के वो भी हमने लगवाए हुए हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया उदयपुर सेंटर में राखी जी 2 दंडरी सेमिनार में जल जीवन मिशन और पानी री बर्बादी रोकण माथे चर्चा करी जी।
संस्था का मानद सचिव इंजीनियर पुरुषोत्तम बताया कि पेयजल संरक्षण में लुगाया और छात्रा रा सहयोग बाबत भी चर्चा करी जी। साथ ही ई मिशन सुन जुड़र महिलाओं रा सशक्तिकरण माते भी चर्चा करेगी। उदयपुर लोकल सेंटर पिछले दो दिन से, आज उसका दूसरा दिवस है, एक दो दिवसीय महिलाओं के लिए कार्य रूप में परिणित करने के लिए वर्क वुमेन इन इंजन की एक सेमिनार आयोजित कर रहा है, जिसका उद्घाटन कल 15 तारीख को हमारे परम शिरोमणि जो अतिथि थे कर्नाटक सा वाइस चांसलर पद्मकिली जी बनर्जी, वाइस चांसलर ऑफ SPSU एंड श्री NS राठौड़ साहब डायरेक्टर ऑफ गीतांजलि, उन सबके साथ रहते हुए कल और हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे विभिन्न कॉलेजेस के, उनके साथ हमारा दो दिवसीय आज का कार्यक्रम दूसरे दिन का है। हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पताका फहराया हुआ है। करीबन 128 सेंटर्स हैं पूरे भारत में, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, और सभी डिसिप्लिन जितने भी हैं हमारे इंजीनियरिंग के, उन सभी डिसिप्लिन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है अपनी भरसक उसके सक्रिय उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपना योगदान देता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में होने वाली गतिविधियों में विभिन्न तकनीकी और शैक्षणिक कार्यक्रम बहुत ही उच्च स्तर पर ज्ञानवर्धन, विभिन्न संकायों के लर्नर एमिनेंट स्पीकर द्वारा करवाए जा रहे हैं। विशेष बात यह कि इस गतिविधि में के अंतर्गत जो वुमेन का रोल बहुत होता है, वैसे तो इंजीनियर का रोल मेन है, इंजीनियर में भी वुमेन इंजीनियर्स का रोल जो मेन है उसके लिए आधी आबादी कहने वाले को डबल काम करना पड़ता है, तीन गुना काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम हमारी कंपनी सिक्योरिटर्स लिमिटेड की तरफ से आए हैं सेमिनार अटेंड करने, विमेन इंजीनियर टॉपिक है उसका, और यहाँ पर जो प्रवक्ता आए थे कल गेम्स का इनोग्रेशन मॉर्निंग में किया था, जिसके अंदर CTI के हेड आए थे कर्नाटक से, और पद्मकली मैडम आए थे बनर्जी में, और राठौड़ सर थे गीतांजलि से, तो उन्होंने तीनों ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और विमेन इंजीनियरिंग वो काफ़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जुलाई ने श्रीगंगानगर जिला रा भगवानगढ़ में होवन वाला किसान महासम्मेलन ने संबोधित करेला। सांसद निहाल चंद मेघवाल 18 जनप्रतिनिधियां साथ कार्यक्रम की जगह रो दौरो करिया और तय समय में तमाम तैयारियां पूरी करण रा निर्देश दिया। गृह मंत्री और हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी 22 तारीख के दिन श्री गंगानगर बता रहे हैं, केंचिया में भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सभी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचकर उनका अभिनंदन करेंगे, और मैं समझता हूं कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हम सब के नेता और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हम सब उनका अभिनंदन करने के लिए, एक विशाल जनसभा को सुनने के लिए हम केंचिया पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्र में मीटिंग करके एक विशाल कार्यकर्ताओं का जत्थे के साथ में, विशाल कार्यकर्ताओं के साथ में केंचिया में पहुंचेंगे। आगामी 22 जुलाई 2023 को हमारे देश के सम्मान्य गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे गंगानगर जिले की धरा पर एक विशाल किसान महासम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। उस दिन वो मोदी सरकार की 9 वर्ष की आम जनता के लिए, विशेषकर किसान वर्ग के किए गए जो ऐतिहासिक कार्य है उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, और कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरह राजस्थान में भय का माहौल, भ्रष्टाचार खुलेआम और यहाँ जंगल राज कर रखे है, इसकी भी बारे में विस्तार से जनता को अवगत कराकर संचेत करेंगे, ताकि जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जयपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेट्स टॉक अबाउट डेथ विषय माथे परिचर्चा राखी जी। परिचर्चा में दिल्ली रा एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट और पॉलिएटिक केयर विभाग रा अध्यक्ष सुषमा भटनागर कया कि मृत्यु अंतिम सत्य है, पर फिर भी सब ने इसको डर लगे है। चर्चा में के जानिया मान्या चिकित्सक भाग लियो। वी हैव प्लान्ड विद आईसीएमआर, वी हैव प्लान्ड अ प्रोजेक्ट
where we will go to 30 districts of this Rajasthan. It is important because a in the periphery, in the village, in the a grassroots level, if a patient is suffering with any chronic debilitating condition, and it is प्रदेश में मानसून रे बिरखारो दौर जारी है। पाछला 24 घंटा में पूर्वी राजस्थान में बूंदी जिला रा नैनवा में 11 और लालसोट में 10 सेंटीमीटर पानी बरसियो। इनरे अलावा कोट कासिम और चौथ का बरवाड़ा में 9-9 सेंटीमीटर बिरखा भी। पश्चिमी राजस्थान रा रामगढ़ और भादरा में 6-6 सेंटीमीटर पानी बरसियो। राजधानी जयपुर में कई इलाका में हल्की बरसात भी। मौसम महकमा रे मुजब आवन वाला 24 घंटा रे दौरान प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, पाली, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारा, टोंक, करौली समेत एक दर्जन सुबेसी जिला में बरसात होवन रो अंदाजो है। मौसम विभाग जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 18 जुलाई सु एक नुवो सिस्टम सक्रिय होवन सु राजस्थान में कई जगह बिरखा होवन रा आसार है। आखिर में खास खास खबरें एक कर फेरू। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा रो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान भी हो शुरू। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कया बूथ विधानसभा और जिला स्तर तई ले जावेला आंदोलन। भाजपा री महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी करिया कार्यभार ग्रहण। कया संगठन ने मजबूत करनो है उनरी प्राथमिकता। जयपुर से वैष्णो देवी जायरिया तीर्थ यात्रियों री ट्रेन भी रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगली 28 जुलाई ने नागौर रा खरनाल में होवन वाली जनसभा री तैयारियां करी शुरू। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तैयारियां रो लियो जायजो। प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। मौसम विभाग एक दर्जन सुबेसी जिला में बारिश रो जतायो अंदाजो। 18 जुलाई सु एक नुवो सिस्टम सक्रिय होवन रा आसार।